ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृता। नारायणं नमस्कृता। नरं चैव नरोत्तमं नमस्कृता। देवीं सरस्वतीं व्यासम्। सरस्वती ततो जया मुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके। भगवती उत्तम श्लोके। भक्तिर भवति नष्टिकी। भक्ति भवति नष्टिके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 13 संख्या 38। प्रभु जी मेरे पीछे पीछे दोहराना है। उमा शंकर प्रभु जी। अच्छा अथा जगाम भगवान। गाम भगवान नारद सह तुम गुरु। नारद सह तुम गुरु। प्रत्युत्थाय भी बाधाया। भीवा धाता धाह सानुजभर्चयन् मुनिम्। सानु जो मुनिम। अथा जगाम भगवान। अथाज गाम भगवान नारद सह तुम गुरु। नारद सह तुम गुरु। प्रत्युत्थाय प्रत्युत्थाय भी बाधाया। विभक्त विभक्त साह सानुजभर्चयन् मुनिम्। अनुभव मुनिम। तो प्रभु जी श्लोक उच्चारण करेंगे संभव, या हाँ श्लोक उच्चारण करेंगे जैसे मैंने किया? बताइए। हाँ अच्छा, नीलम माता जी पढ़ेंगे। हाँ आपका आवाज कट रहा है। हाँ बोलिए ना। कोशिश करता हूँ। ठीक है, छोड़िए, आप हिंदी में पढ़िए। संजय बोल रहे थे, संजय इस प्रकार बोल रहे थे, यहां से पढ़िए। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, पढ़िए प्रभु जी। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना जंबुरा लिए हुए। वहां प्रकट हुए। प्रभु जी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आपका हेडफोन का आवाज सुंदर नहीं है। ठीक है, महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो तात्पर्य में बताया गया है, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे, देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वसनीय भक्त है। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसे माना जाता है। भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए अपनी विभिन्न क्षमता के अनुसार
सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिससे उन्हें सचेतन स्तर पर लाया जा सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है। भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतवे वे भगवान की नजरों में प्रिय माने जाते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा भक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, उनसे अधिक प्रिय उन्हें अन्य कोई नहीं है। नारद जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात भगवान को मिलता है। तो महाराज युधिष्ठिर अपने सुयोग्य भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करना अन्यों के लिए अनुकरणीय है, जिनके लिए अपने बिना लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। हरे कृष्ण। तो विगत हम लोग इस श्लोक इस अध्याय के ऊपर जो प्रसंग हमारा चल रहा है कि धृतराष्ट्र का गृह त्याग, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत दिन से। तो प्रसंग इस प्रकार है कि हम लोग जो प्रीवियस जहाँ हम लोग छोड़े थे, अब लगा दो बहुत आवाज है, जहाँ पे छोड़े थे वो इस प्रकार था, विदुर के उपदेश अनुसार धृतराष्ट्र और गांधारी प्रातकालीन अवस्था में ही सुबह होने से पहले ही वो लोग अपना घर परिवार छोड़ के उत्तर दिशा की ओर चले गए। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज जब प्रातकाल अपना होम आदि जो कुछ नित्य क्रियाएं ये सब होने के बाद जब आए राजमहल में अपने ताऊ और ताऊ प्रणाम करने के लिए, उनके चरण वंदन करने के लिए, तो देखा कि घर में कोई नहीं है। ऐसे परिवेश में उन्होंने सबको पूछा कहाँ है, कहाँ गए, कहाँ चले गए। तो अल्टीमेटली संजय के पास आए और संजय को बोला कि आप तो उसके विश्वास पात्र सचिव थे, सेक्रेटरी थे, आप जो भी कुछ गुप्त मंत्रणाएं, जो कुछ उनका प्लान योजनाएं सब कुछ वो आपको बताते थे, तो अभी आप बताइए कि मेरे ताऊ अभी कहाँ चले गए। हो सकता हमें ना बताए लेकिन आपको तो बता के रखे हैं। तो संजय जो पिछले श्लोक में हम लोग डिस्कस किए हैं, संजय बोले कि वो जो आपकी ताऊ मतलब दो महान भक्तों ने मुझे पूर्ण रूप से ठग लिया। ठग लिया मतलब बिना कुछ इन्फॉर्म किए गृह त्याग किया। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में अलग अलग विचार भावनाएं पैदा हो रहे थे कि हो ना हो वो गंगा में जाके डूब के मरे क्योंकि उनका 100 पुत्र मर गया, और मेरे यहाँ तो मतलब हमारे पांडवों को हाथों तो उनका मृत्यु हुआ, तो जिसके कारण दुखी होकर ऐसी भावना लेकर वो अपने दोनों पति पत्नी अर्थात मेरी ताऊ और तावी दोनों विसर्जन दी, अपने लाइफ को अपने जीवन को समर्पित कर दिया अर्थात आत्महत्या कर किए। तो ये सब थिंकिंग युधिष्ठिर महाराज सोच ही रहे थे और संजय को पूछा। तो आज का हमारा जो श्लोक है, आज का जो श्लोक है, इस श्लोक में यही चीज वर्णना किया जा रहा है कि जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता कि कहाँ चले गए ताऊ, कहाँ चले गए, ठीक है, ऐसे बोल ही रहे थे। और नारद मुनि अपना हरिनाम कीर्तन करते करते यहाँ पर प्रकट हुए सभा में, और प्रकट होने के बाद वो बोले, क्या बोले, अभी तो आगे का प्रसंग आगे का श्लोक आएगा। तो इस श्लोक में यही चीज कि नारद मुनि को देखकर सभी लोग उठ खड़े हुए और उनको विधिवत प्रणाम किया, विधिवत प्रणाम किया। विधिवत प्रणाम का अर्थ क्या होता है, विधिवत प्रणाम का अर्थ होता है माताजी गण पंचांग प्रणाम करें
और प्रभु जीगण साष्टांग प्रणाम करे अर्थात दंडवत प्रणाम करे, तो नारद मुनि को इस तरह प्रणाम किया। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक में नारद मुनि को भगवान कहा गया। एक्चुअली भगवान का अर्थ हर किसी भी व्यक्ति विशेष पे भगवान शब्द तो लागू नहीं होता, लेकिन श्री प्रभुपाद तात्पर्य में ये पॉइंट आउट किए है कि भगवान जो है ना, भगवान शब्द भगवान के महान भक्त पर भी लागू होता है, क्योंकि जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें भगवान तथा उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा माना जाता है, एक ही माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। तो नेपाल से हमारे नीलम माता जी और टोरंटो कनाडा से हमारे आशा माता जी और मुजफ्फरपुर से हमारे उमा शंकर प्रसाद प्रभु जी सभी उपस्थित हैं। तो भक्तों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आने के लिए। अभी आप लोग ध्यान से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कीजिए कि हमारे आचार्यगण महानुभव कैसे अपने जीवन को कृष्ण सेवा में समर्पित। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलिए। कितना बार हरे, आवाज नहीं आ रहा आप, कुछ बोलना था? ठीक है, चलिए आप, नहीं आप बोलिए। ठीक है, आजकल मुझे बहुत आनंद आ रहा है, हमारे उमा शंकर प्रभु जी रोजाना श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आ रहे हैं। ये भागवतम की कृपा है, भगवान के हेतु की कृपा है, क्योंकि भागवत की सभा में जब तक किसी के जीवन का उदय नहीं होता तब तक नहीं आ सकता। और प्रभु जी भागवतम की कक्षा में आ रहे हैं, माता जी का भी क्लास सुन रहे हैं, मेरा भी क्लास सुन रहे और आतुर रहते हैं, प्रभु जी आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं। कोई कोई बोलते कि आज माता जी क्यों क्लास नहीं दे रहे, तो ऐसे ही भाव होना चाहिए उनके जीवन में। तो चलिए हम जो कंटिन्यू कर किया जाए जो चर्चाएं चल रहा था। तो नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए, कहां पर प्रकट हुए? युधिष्ठिर महाराज की सभा में। तो श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं कि भगवान, भगवान शब्द एकमात्र और एकमात्र भगवान कृष्ण के ऊपर या उनके महान शुद्ध भक्तों के ऊपर ही लागू होता है, हर किसी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इंद्र चंद्र वरुण को भी भगवान नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान कहा जा सकता है, लेकिन कहा जा सकता, लेकिन भगवान होते नहीं, क्योंकि भगवान एकमात्र कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो जो भी है, जो प्रसंग जो हमारा चल रहा था, तो भगवान के जो ऐसे विश्वास पात्र सेवक, भगवान श्री कृष्ण कितना प्रिय क्यों है? प्रिय होने के पीछे दो ही कारण है। पहला, एक तो जीव खुद से स्वयं से भक्ति करना चाहता नहीं, और भगवान किसी जीव के लिए अवतार नहीं लेंगे कि चलो तुमको भक्ति देंगे इसलिए मैं अवतार ग्रहण करूं। एक तो भगवान आएंगे नहीं, और एक तो जीव अपनी इच्छा से भक्ति करेंगे। पॉइंट को ध्यान में रखना कि भगवान श्री कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है, जो प्रचारक होते हैं, क्यों इतना प्रिय है, इसके पीछे दो मूल मुख्य कारण है। पहला कारण, नोट डाउन करके रखना दिमाग में, नोट राइटिंग इन कॉपी, दिमाग में नोट डाउन करके रखना। पहला कारण कि जीव स्वेच्छा से अपनी इच्छा से भक्ति करना नहीं चाहते, और दूसरा बात, भगवान कृष्ण उस जीव एक व्यक्ति विशेष के लिए वो अवतार नहीं लेंगे कि चलो तुमको भक्ति देंगे तो मैं अवतार ले रहा हूं, भगवान भी नहीं करेंगे ऐसा काम, और जीव भी अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। तो अभी उस जीव का उद्धार कैसे हो? उस जीव का उद्धार होता है भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद, नारद मुनि, ध्रुव महाराज, प्रह्लाद महाराज,
सड़ गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य हमारे आचार्यगण इस चीज को देने के लिए इस धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। तो जो काम भगवान को करना चाहिए था वो जीवात्मा करते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। इसीलिए नारद मुनि को भी भगवान शब्द कहा गया। तो वास्तव में एक चीज हम लोग को समझना है कि कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन की समुचित अवस्था में नहीं है। कहने का मतलब क्या है, डीपली समझना है चीज को, डीपली। ये जितने सारे जीवात्मा है ना, सभी अपने वैधानिक स्थिति, वैधानिक स्थिति का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैधानिक, वैधानिक का अर्थ होता है ये जो इस बोतल में पानी है, ये जल का वैधानिक स्थिति क्या है, जल लिक्विड। लेकिन जब ये बर्फ बनता है तो क्या जल अपने वैधानिक स्थिति में है, उमा शंकर प्रभु जी? जब ये जल बर्फ बन जाता, बर्फ बन जाते हैं, तब क्या जल जल रहता है? नहीं, वो अपनी बद्ध अवस्था में रहते हैं। और जब ये जल तरल लिक्विड के रूप में रहता है तब ये अपनी रियल अवस्था में रहते। तो जीवात्मा, जीवात्मा का भी वही चीज है। जीवात्मा जब कृष्ण भक्त रहता है, कृष्ण भक्त बनता है, तो ही उनका रियल स्वरूप है। और जब जीवात्मा कृष्ण भक्त नहीं रहता तो वो जल की भांति बर्फ के रूप में परिणत है। और वो बर्फ जब सूर्य का रोशनी गुरुदेव की कृपा उस पर बरसन होंगे तो वो बर्फ बर्फ नहीं रहेगा, पानी बन जाएगा। उसी प्रकार गुरुदेव की कृपा, भक्तों की कृपा जब किसी जीवात्मा के ऊपर रोशनी देता है तो वो जीवात्मा पत्थर से पानी बन जाता, अर्थात असुर से कृष्ण भक्त बन जाता। आशा माता जी समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। विभा माता जी आज हमारा बहुत देर किए आज, किंतु हम ज्यादा देर तक क्लास नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी जो गुंडीचा मंदिर है हमारे मायापुर का, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जहाँ पे विराजमान है, वहां पर मुझे कीर्तन करने जाना है पक्का 6 बजे। इसीलिए 5:30 बजे से पहले ही मैं क्लास को बंद कर दूंगा। स्नान करना है, उससे पहले तुरंत दौड़ के जाना है। अभी बज रहा है 5:03। ठीक है, तो और एक श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं अभी इस प्रसंग में, और उसके बाद चले जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन में देखना है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का आरती, जो आरती में वहां पर गाऊंगा संध्या आरती। क्या प्रभु जी कैसे देखेंगे ऑनलाइन में? वो ग्रुप में डाल देंगे, लक्ष्मी माता जी ग्रुप में डाल देंगे, तो लिंक है ना जो वहां पे लाइव चलेगा वो ग्रुप में डाल देंगे, ऑनलाइन ग्रुप में। आपको ये लिंक कहाँ से मिलता है जो हमारा भागवतम क्लास हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है? ऑनलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन भागवतम ग्रुप में मिल रहा है ना, तो उसी ग्रुप में वो भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसी ग्रुप को। अच्छा ठीक है। तो जो चर्चाएं चल रहा था हमारा, कि जीव, जीव का वैधानिक स्थिति क्या है, कृष्ण का दास। जल का वैधानिक स्थिति क्या है, लिक्विड लाइक दिस। किंतु जब ये बर्फ रहता है तो बर्फ का गोला, हरे कृष्ण,
ठीक है माता जी। हाँ, बर्फ का गोला या आइसक्रीम के रूप में परिणत होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज समझ लेना कि हम लोग कृष्ण भक्ति के पथ में हैं, दैट मीन्स आई एम इन आवर रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, मैं अपने वैधानिक स्थिति में स्थित हूं, लेकिन हम अभी कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में नहीं है, जिसका अर्थ है कि मैं अभी असुर बन गया हूं, मैं अभी कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में नहीं हूं। तो रियल में जो है हमारी आत्मा जो है कृष्ण भक्त। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक जो है 38 नंबर श्लोक हम लोग पाठ किए, जो नेक्स्ट श्लोक है 39, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग पुनः ज्वाइंट हो जाइए, ठीक है, ये मीटिंग खत्म हो गया, जस्ट एक मिनट में खत्म हो जाएगा, और मैं ओनली क्लास दूंगा 24 मिनट, फिर 5:30 बजे मुझे स्नान करने जाना है और 6 बजे वहां पर आरती है, याद रहेगा। आप लोग तो जगन्नाथ कथा बहुत ही सुंदर ढंग से सुन रहे हैं माता जी के श्रीमुख से, कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, माता जी बहुत विस्तार में बताई थी। आप लोग की माता जी जो है ना परम भक्त है जी, बहुत अच्छे से बताई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं और तुरंत चालू करते हैं हमारे जो श्रीमद् भागवतम की कथा है।